उत्तरकाशी के पुरौला में मुस्लिम युवक और उसके साथी द्वारा नाबालिग लड़की को भगाने का प्रयास का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि इसी जिले के आराकोट क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आराकोट में मोल्डी में सेब बगीचों में काम करने वाली नेपाली मूल की महिला ने यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले मुस्लिम युवक नवाब खान पर बेटियों को भगाने के प्रयास का आरोप लगाया है। आराकोट से सामने आए कथित लव जिहाद के बाद अब यहाँ के लोग भी भड़क गए हैं और तमाम एक्टिविस्ट भी। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आराकोट पुलिस चौकी के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचे हैं। इस घटना के बाद इनके अंदर आक्रोश है और हालांकि मामला यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है लेकिन लोगों में गुस्सा है और उनका कहना है कि पूरे उत्तरकाशी में जगह जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पुरौला की तरह अब आराकोट में भी इस तरह की एक घटना सामने आई है जिसके बाद लोगों में रोष है। तीन लड़की सर, तीन लड़की, हाँ जी। तो तीन लड़कियों में से किनको भगाने का प्रयास किया? दो दो लड़की, जो एक 16 साल की है सर, एक 14 साल की। अच्छा, वो लड़की एक बड़े लड़की के साथ एक डेढ़ साल से वो फ्री फायर पबजी खेलते थे बच्चे, उसमें वो दोस्त बना के उन लोग बात करते थे। तब वो बात करते करते खेलते भी थे, बात भी करते थे। तब उसने कल 81 उनको भगाने की कोशिश किया तो उसने वहाँ त्यूनी में गाड़ी होटल बुक किया, वो लड़का ने, वो मुस्लिम लड़का है, वो हमारे हिंदू जाति का नहीं है, वो मुस्लिम है। और फिर जाके फोन करके बच्चों का, तुम इस ऐसे जगह में आओ, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा गाड़ी लेके, बोला रहे। मामला प्रकाश में आया तो पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी नवाब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उधर खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही भारी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आराकोट पुलिस चौकी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्यों नहीं है, इससे पहले भी आनंद को चक्राता में ढाई बजे रात को हम लड़की लेके जा रहे हैं। इन कुत्तों को दिखता नहीं है कि क्या नाम उसका, जिस तरीके से ये वारिस पठान जैसे गद्दार सोशल मीडिया पे बैठ के डिबेट में बैठ के अपनी बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि पुरौला के अंदर पिछले साल डेढ़ साल पहले 5 दिन तक 13 साल की नाबालिग लड़की को जो है रस्सियों से बांध दिया जाता है, वही गाय काटी जाती है, उसके बाद अभी पीछे जो है 15 साल की नाबालिग लड़की को अगवा किया जाता है तो बचाया जाता है। दिल्ली में 40-40 वार होते हैं तब इनको नहीं दिखता है, लेकिन आज आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी क्षेत्र में आज रात को 3 बजे हमने एक मुजफ्फरनगर से व्यक्ति आता है वो मानव तस्करी में, जिस तरीके आप देखोगे चैट देखोगे तो किस तरीके से वो लड़की को वहाँ से ट्रैप में फंसा कर गेम जिहाद के माध्यम से गांव से ला रहा है। गांव से लाने के बाद उसको जो है मोल्टी में पकड़ा जाता है और लड़का अभी तक फरार है। छोटी छोटी बहनें 14 साल की 16 साल की, आप दो बहनें जो हमारी इन्होंने ट्रैप करी है, अगर हम लोग उनको आज रात को नहीं पकड़ते तो वो लोग उनको मानव तस्करी या तस्करी करके मुंबई जैसे महानगरों में उनका देह व्यापार करवाते, कुछ किसी भी तरह का वो करवाते, तो अगर उस तरह से हमारी बहनें बिकती जाएगी तो इस विशेष समुदाय के लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वो यहाँ आए ना, हमारे जो देवभूमि को भ्रष्ट ना करें। बताया जा रहा है नवाब और नाबालिग लड़कियों की दोस्ती पबजी गेम खेलने के दौरान हुई थी। गुरुवार को वो उन्हें लेने आराकोट मोल्डिंग आया था जहां स्थानीय लोगों ने उनका पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उनकी बेटियों को डराया धमकाया जा रहा है, आरोपी कुछ अश्लील चैट वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोप है कि बीते दिन लड़के ने उनकी दोनों बेटियों को त्यूनी बुलाया और कहा कि उनको मुंबई काम दिलवाएगा और वहीं शादी कर लेगा। उसने लड़कियों को ये बात किसी और को बताने से मना किया था और ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 20 किलोमीटर ऊपर से नीचे और टिकुची से भी ओरे मोल्डी में वो पहुँचे बच्चे, तब वहाँ जाके बच्चे पकड़े, वहाँ गए वो लड़का कहाँ त्यूनी पे वो होटल में होटल बुक करने जा रहा था, वहाँ वो लड़का आधार कार्ड उसके साथ आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड मांगने के साथ वो लड़का ने बोला कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, वो लड़कियाँ जो आ रही है वो लेके आ रही है आधार कार्ड, बोला रहे वो लड़का ने। तब वो होटल वहाँ बुक किया, उसी गाड़ी में हमारा मालिक ने, फिर बाबू मेरा बाबू ने वो उस लड़का को गाड़ी में बैठाया, चल पुलिस केस किया, वहाँ से भी पुलिस को, अब यहाँ पे आया हम लोग, यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आया, यहाँ पे कोई नहीं थे सर लोग। उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसके विरोध में 15 जून को यहाँ महापंचायत बुलाई गई है।
गेम जिहाद एक नई चीज़ सामने आ रही है, गेम जिहाद। यहाँ जो मामला हुआ है आराकोट में, उसमें सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए होती है, वहाँ से चैटिंग की शुरुआत होती है और उस चैटिंग के बाद एक डेढ़ साल तक ये बातचीत होने के बाद मामला यहाँ तक पहुँचता है कि वो युवक जो आरोपी है वो इस क्षेत्र तक पहुँच जाता है और दोनों युवतियों को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। वहाँ पर गाड़ी की बुकिंग भी होती है और उसको लेकर भागने की पूरी तैयारी होती है, लेकिन यही वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बीच में आकर और समय रहते इस घटना को होने से रोक दिया। आज वो दोनों नाबालिग युवतियां अपने माता पिता के पास हैं और तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आरोपी युवक है वो नाम बदलकर उन युवतियों से उसने दोस्ती की थी, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। उसने अपना नाम लड़कियों को पहले गुड्डू बताया था, हालांकि उसका असल नाम जो था वो नवाब था और वो मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरनगर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो बहरहाल पुलिस तमाम कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों के बीच आक्रोश और एक बार फिर उत्तरकाशी के ही एक क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आने के बाद आगे 15 तारीख को जो महापंचायत हो रही है उसमें तमाम लोग यहां के भी जाएंगे, शामिल होंगे और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि यहां के लोग उस महापंचायत में क्या निर्णय लेते हैं।